वर्क आवर बॉडी, हाउ टू वर्क आवर बॉडी, यानी कि जो बॉडी में जो हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, तो जो बेसिक यूनिट आवर बॉडी वो क्या होती है, सेल। ये बताया था मैंने आपको कि जो अपनी बॉडी का जो बेसिक यूनिट आवर बॉडी यानी अपने जो शरीर है उसकी जो इकाई है वो क्या होती है, सेल। सेल इस कोशिकाओं से अपना क्या बनता है, अपना शरीर बनता है। तो फर्स्ट क्या होता है कि अपनी जो सेल बेसिक यूनिट आवर बॉडी क्या होती है, सेल। अब बहुत सारी सेल्स मैंने बताया था आपको कि बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्गन बनाती हैं। यानी कि अगर हम इसको कहेंगे ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। यानी कि ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी जीव बनाएंगे। उसके बाद हमने बताया था आपको कि ऑर्गन, ऑर्गन तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि ऑर्गन इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी अंग, यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गन यानी बाहरी अंग, यानी कि जो हमारे जो शरीर में जो बाहरी अंग है जो हमें बाहर दिखाई देते हैं, जैसे हमारी स्किन है, ईयर है, आई है हमारे, तो ये कौन से ऑर्गन हुए, एक्सटर्नल ऑर्गन। और सेकेंड इज इंटरनल, इंटरनल मीन्स हमारे जो शरीर के जो भीतरी ऑर्गन यानी अंग होते हैं, जैसे लीवर है, हार्ट है, तो ये कौन से ऑर्गन हुए, इंटरनल ऑर्गन। अब आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया था उसके ऑर्गन सिस्टम के बारे में, जैसे फर्स्ट था सेल, सेल के बाद ऑर्गन था, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम में मैंने आपको बताया था वहां पे कि ऑर्गन सिस्टम में सबसे जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में आज जो हमारा और टॉपिक इज ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, यानी कि मानव का जो कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र, और ह्यूमन मींस मानव, यानी कि मानव के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम। और इसके अंदर हम क्या है कि बोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि हड्डियों के बारे में, अपने शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है ये डिवाइडेड इन टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, इसको बोलेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसको बोलेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र, या इसे हम ये भी कह सकते हैं अनुबंधीय कंकाल तंत्र, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट की, तो फर्स्ट हमारा है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितने टोटल बोन्स कितनी होती हैं, 80। हमारा जो पूरा जो अपनी बॉडी है उसमें कितने टोटल बोन्स कितनी होती है, 206। यानी जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा उसमें टोटल बोन्स होती है वो कितनी होती है, 206, यानी कि 206। और उसमें भी उनको कितने टाइप में डिवाइड किया, टू टाइप्स में। फर्स्ट टाइप यानी कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, इसमें कितनी बोन्स होती है, 80 बोन्स होती है, ठीक है, यानी कि 80 बोन होती है। और सेकेंड इसमें कितनी होती है, 126, इसमें टोटल जो बोन्स होती है 126। अब इनको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट में, तो इसमें एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इसमें क्या है कि जो फर्स्ट इसको ये कितने टाइप में डिवाइड होगा, 3 टाइप में डिवाइड होगा, ठीक है। कितने टाइप में डिवाइड होगा, 3 टाइप में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज हेड, हेड मींस अपना सिर है, और सेकंड चेस्ट छाती है, और थर्ड अपना वर्टिब्रा कॉलम, ठीक है, एक के दो होते से। तो ये अपना दो, देखो ये हेड वाला पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन जो अपना है वो कौन सा है, हेड, ठीक है। तो हेड के अंदर अपना जो ये पूरा यहां से यहां तक, तो इसमें मैंने वहां पर बताया था स्कूल, स्कूल मींस होता है खोपड़ी, क्या होता है, खोपड़ी। अपनी जो टोटल जो अपनी स्कूल है, तो स्कूल में मैंने बताया था कि टू पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसमें जो स्कूल है इसमें अपना एक तो अपना ये इसमें 8 बोन्स होती है, इसको बोलते हैं क्रेनियम, क्या बोलते हैं, क्रेनियम। और 14 बोन्स होती है अपनी टोटल, वो उसमें कितनी होती है, 14, इसको बोलते हैं फेशियल। यानी कि जो स्कूल है अपना, इसमें मैंने आपको उस दिन बताया था 22 बोन्स होती है, उसमें 8 बोन्स तो मैंने आपको हेड के यहां बताया था, और 8 इसको क्रेनियम बोलते हैं, और 14 बोन्स है अपने वो किसमें होती है, फेशियल स्केलेटन में, ठीक है। तो टोटल कितनी हुई, 22, और 3 बोन्स अपने वन ईच ईयर कंसिस्ट, यानी एक अपने जो कान है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 3, ठीक है। अब दोनों कानों में कितनी होंगी, 6,
ठीक है, तो 22, अगर 22 में अगर 6 ऐड करेंगे, 22 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितनी हुई 28, ठीक है 28। अब 1 बोन अपनी जो ये अपनी जो अपनी नेक बोन होती है इसको अपन बोलते हैं हायर बोन, क्या बोलते हैं हायर बोन, ठीक है इसको बोलते हैं हिंदी में कंठिका, कंठिका कंठिका हड्डी, ठीक है। तो अपने टोटल कितनी बोन्स हो गई हेड वाले बोन यानी सिर वाले बोन, टोटल हो गई 29। अब 29 को मैंने कैसे कैसे डिवाइड किया आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि अपने देखो 8 बोन्स तो यहाँ हो गई हैं, ठीक है, जो अपने ब्रेन को क्या करती है प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, और ये क्या काफी मजबूत होते हैं, इसलिए अपने अगर थोड़ी बहुत अगर तेज चोट भी लगती है अपना तो भारी अगर लगती है तो उनको क्या है ये प्रोटेक्ट करती है इसको अपने ब्रेन को। और 14 जो बोन है वो अपने होती है फेस में, ठीक है, और अपने जो एक वन ईयर में कितने होते हैं 3 बोन्स होती है, तो दोनों अपने टोटल बोन्स ईयर के अंदर कितनी होंगी 6 बोन, ठीक है। तो ऐसे और वन बोन होगी वो अपने क्या होगी कंठ में या नेक में, नेक बोन जिसको अपन क्या बोलते हैं हायर बोन। तो टोटल अपना जो फर्स्ट टाइप था इसका हेड बोन्स उसको आपको पता लग गया है कितनी बोन्स होती है इसमें 29, ठीक है। अब नेक्स्ट इज चेस्ट, चेस्ट चेस्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो चेस्ट में जो होती है रिब बोन्स होती हैं, ठीक है, ये रिब बोन्स होती हैं, इनमें टोटल जो रिब बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं 24। अगर ये 24 बोन्स होती हैं रिब में, लेकिन अगर इनको अपन पेयर में बात करें तो कितने पेयर होते हैं 12 पेयर होते हैं, कितने पेयर होते हैं 12 पेयर होते हैं, ठीक है, यानी कि 12 बोन्स किधर होती हैं 12 बोन्स किधर होती है, अभी किसी से अटैच भी होती होंगी तो जिससे ये अटैच होती है उसको अपन क्या बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल बोन्स होती है इसमें देखो 24 तो अपनी रिब्स हो जाती है, रिब्स को अपन हिंदी में बोलते हैं पसलियां, क्या बोलते हैं पसलियां, और ये जो स्टर्नम है तो स्टर्नम से ये सभी क्या होती है अटैच होती है, ठीक है, लास्ट की 2 बोन स्टर्नम से क्या अटैच नहीं होती इसलिए इनको क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्टिबल कोलम, ठीक है, वर्टिबल कोलम अपना कशेरुकी कंड यानी कि रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं इसको अपन, तो रीढ़ की हड्डी अपने जो चिल्ड्रन है बच्चों में टोटल जो वर्टिबल कोलम है वो होती है 33, लेकिन अगर हम एक एडल्ट की बात करें हमारी बात करें तो हमारे अंदर ये बोन्स होती है 26, ठीक है, अपने अंदर कितनी बोन्स होंगी वर्टिबल कोलम में 26 होंगी। तो अगर अपन बात करें देखो 29 मैंने हेड में बताई आपको और 24 उनको चेस्ट में पता लगी और वर्टिकल कॉलम में कितनी है 26, अगर इन सभी को अगर अपन ऐड करें तो कितनी हो गई 81, यानी कि ये जो पार्ट है हमको समझ में आ गया कि टोटल जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी अक्षीय जो कंकाल तंत्र है उसमें कितनी बोन्स होती है टोटल 80 होती है, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट अब अपना है कौन सा है नेक्स्ट अपना अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी अनुबंधी कंकाल तंत्र, अनुबंधी कंकाल तंत्र इसमें कितनी बोन्स होती है टोटल 126 बोन्स होती है। अब इसको डिवाइडेड इन 4 टाइप्स, इसको अपने कितने टाइप से डिवाइड किया है 4 टाइप्स में डिवाइड किया यानी 4 भागों में हमने इसको बांटा है। तो जो अपना फर्स्ट टाइप है वो है शोल्डर बोन्स, शोल्डर मींस होता है अपने कंधे, जो अपने ये कंधे हैं इनमें अपने इसको बांटा है, तो अपने जो कंधे में जो ये जो दो हड्डियां होती है देखो एक वन तो ये 2 होती है 2 एक वन साइड कंसिस्ट तो दोनों साइड होगी तो टोटल कितनी बोन्स हो गई 4, टोटल कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। तो अपने शोल्डर के अंदर कितनी बोन्स होंगी 4 और 1 ईच साइड बोन्स तो कितने हो जाएंगी 2 हो जाएगी यानी कि 2 इधर और 2 इधर तो कितनी बोन्स हो गई टोटल 4, यानी शोल्डर बोन्स कितनी होती है 4 होती है। नेक्स्ट इज अपना हैंड बोन, अब अपना आते देखो अपना शोल्डर हो गया उसके बाद अपना ये हैंड आ गया, ठीक है। हैंड में क्या है अपना जो यहाँ पे जो ये वाला है इसमें कितनी हड्डी होती है ओनली 1 हड्डी होती है और उसका नाम होता है ह्यूमरस, क्या होता है नाम उसका ह्यूमरस होता है, ठीक है। उसके बाद अपना ये हैंड आ गया यहाँ पे ये वाला जो पोर्सन है अपना ये वाला जो पोर्सन है इसमें 2 बोन्स होती है और 2 बोन्स होती है उनमें दोनों का नाम भी होता है, वो नाम नेम क्या है उनका, एक का नाम अल्ना है और एक का नाम क्या है रेडियस, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया 2 बोन्स यहाँ पे होती हैं, 1 बोन्स यहाँ 2 बोन्स यहाँ और इनका नाम देखो इसका ह्यूमरस नाम है और इसका दोनों का नाम क्या है रेडियस और अल्ना। अब नेक्स्ट अपनी बात आती है यहाँ पे अपनी प्रिस्ट यानी कलाई की, तो कलाई में जो टोटल हड्डियाँ होती हैं वो टोटल हड्डियाँ होती हैं 8 बोन्स।
देखो सीधी सीधी अगर मैं बात करता तो अगर ये अगर इसकी टोटल इसकी बात करता हूँ यानी कि 8 हो गई। अब इनकी बात करता हूँ, देखो अपने कितनी फिंगर होती है, टोटल 5 फिंगर होती है। देखो 1 2 3 4 5 5 फिंगर ये हो गई, तो 5 बोन्स ही हो गए अपनी। अब इस फिंगर देखो, इस फिंगर के अंदर कितनी बोन्स हैं, 1 2 3 3 बोन्स ही हो गई, तो 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितनी हुई, 4 3 12 और 2 इसमें तो कितनी हो गई, 14। यानी अपनी अगर कोई पूछे कि अगर आपकी फिंगर के अंदर कितनी बोन्स होती है तो कितनी होती है, 14 होती है। कितनी बोन्स होती है, 14। ठीक है, अपने जो हैंड है इसके तो कलाई अपने, और कलाई में कितनी बोन्स बताई थी मैंने, 8 बोन्स बताई। अगर 14 में अगर 8 ऐड करते तो कितने होंगे, 22। ठीक है, नेक्स्ट इज अब देखो अपना हैंड बोन हो गया, तो हैंड में टोटल अब अगर एक हैंड की बात करें तो टोटल कितनी होती है, 30 होती है। तो ईच हैंड कंसिस्ट 30। देखो एक हैंड के अंदर अगर 30 है, अगर दोनों हैंड को काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 30, अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल 60 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हिप बोन्स। ठीक है, हिप बोन्स, हिप बोन्स के अंदर क्या होता है, इसमें वैसे हड्डियां जो होती है और 2 होती है, देखो 1 इधर और 1 इधर, तो हिप के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इसमें कितनी बोन्स होती है, 2 बोन्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लेग्स, लेग बोन्स यानी कि अपनी टांगे। ठीक है, इसमें देखो ईच इस लेग कंसिस्ट 30। अब ये देखो 30 होती कैसे है, कैसे डिवाइड करते हैं, इनको भी मैं बता देता हूं आपको। तो देखो फर्स्ट अपना जो लेग है इसमें ये होती है सबसे अपनी जो लॉन्गेस्ट बोन्स होती है, सबसे लंबी जो हड्डी है वो अपनी कौन सी है, फीमर। अपने जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है वो कौन सी है, फीमर। ठीक है, तो फीमर सबसे लंबी हड्डी होगी। उसके बाद ना आ गया अपना जो टखना बोलते हैं इसको, ये इसका नाम जो ये जो हड्डी है इसका नाम है पटेला। क्या बोलते हैं इसको, पटेला। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये जो टू हड्डियां हैं, ऐसे टू बोन्स हैं, उन्हें एक का नाम तो क्या है, टीबिया, और एक का नाम है फिबुला। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टोटल कितनी होती है, 22। ठीक है, ईच लेग्स कंसिस्ट 30 और ये 30 को मैंने आपको डिवाइड करके भी बता दिया। एक बार इस टॉपिक को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा और टॉपिक इज ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हमको करना क्या था कि हड्डियों के बारे में एंड बोन्स के बारे में हमको अध्ययन करना था। तो हमने क्या किया, इसको टू पार्ट्स में डिवाइडेड इन टू टाइप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। और फर्स्ट टाइप था अपना वो क्या था, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, उसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। और अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी बोन्स होती है, टोटल 80। ठीक है, और सेकेंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसमें कितनी होती है, 126। अब इसके बाद मैंने डिवाइड किया, तो देखो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को मैंने डिवाइड किया, तो फर्स्ट था अपना हेड। ठीक है, हेड के अंदर 29 होती है, यानी कि जो अपना यहाँ से लेके अपने इस गले तक का यहाँ तक का जो पोर्शन है, यानी कि जो ये जो पोर्शन है, इसकी कितनी बोन्स है, टोटल 29। ठीक है, देखो बोन्स है ना। ठीक है, अब 29 को मैंने कैसे डिवाइड किया कि अपने फेस में और अपने जो हेड के अंदर यहाँ पे स्कूल के अंदर खोपड़ी के अंदर है, लेकिन खोपड़ी और ये फेस है के बाद हैंड हो जाएगा, उसके बाद हिप बोन्स हो जाएंगे।